गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो 10.2 से संबंधित जो भी बातें थी हमने कर ली थी कि खंड सूत्र क्या होता है, त्रिभुज नियम क्या था, सदिशों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है। आज हम उस पर 10.2 की एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ये है कि आपको सदिश दिए गए और उसका परिमाण पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाण का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप सब जानते होंगे कि कोई भी सदिश जो है उसके परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। ये क्या होता है किसी सदिश का परिमाण, ये बताया हुआ आपको पहले से ही। अगर कोई सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका परिमाण क्या होता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके आगे इकाई जरूर लिखना भाई, क्योंकि परिमाण है इसका मतलब हम उसका लंबाई निकाल रहे हैं और लंबाई की कोई ना कोई यूनिट होती है, चाहे वो सेंटीमीटर हो मीटर हो, हमें दी हुई नहीं होती है, तो हम कोई क्या लिखेंगे लास्ट में, इकाई। तो जैसे पहला सदिश है, पहला आपको दिया गया है कि ए सदिश बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका परिमाण, तो परिमाण को मॉडुलस से लिखा जाता है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखो एक्स का मान भी एक है, वाई का मान भी एक है और जेड का मान भी एक है, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक प्लस एक प्लस एक, कितना हो गया, तीन, और इकाई। दूसरे के अंदर अगर हम देखें तो एक्स का मान कितना है, एक बटा अंडर रूट तीन, वाई का मान कितना है, वो भी एक बटा अंडर रूट तीन, और जेड का मान कितना है आपके पास, जेड का मान है आपके पास माइनस का एक बटा अंडर रूट तीन। तो सी का जो परिमाण होगा, सी का परिमाण, तो मॉडुलस सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक बटा अंडर रूट तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बटा तीन, प्लस वाई स्क्वायर एक बटा अंडर रूट तीन का स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा, एक बटा तीन, और जेड, जेड का मान है माइनस एक बटा अंडर रूट तीन, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वापस से क्या आ जाएगा, प्लस का एक बटा तीन। और इसका जब योग आप करेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा आपके पास, तीन एलसीएम आएगा इसमें, तो तीन बटा तीन एक आ जाएगा, और एक का वर्गमूल भी क्या होता है, एक, तो ये हो गया इकाई। तो देखो इससे एक चीज और भी, अगर इसका परिमाण एक इकाई है तो आप इसको क्या कहोगे, मात्रक सदिश, इकाई सदिश या एकांक सदिश, क्योंकि आपको जब सदिशों का प्रकार पढ़ाया गया था वहां बताया गया था कि जिस सदिश का परिमाण इकाई हो उसको हम क्या कहते हैं, इकाई सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये सी सदिश को क्या कहेंगे अपन, मात्रक सदिश भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो परिमाण है वो कितना है, एक इकाई है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात लिखिए। तो दो के हम कितने भी लिख सकते हैं, उनका परिमाण समान होना चाहिए, सदिश अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जैसे पहला सदिश मैंने लिखा ए सदिश बराबर, मैंने लिखा पांच आई कैप और प्लस का सात जे कैप, एक सदिश ये लिख दिया। अब इसी के साथ मैं दूसरा सदिश लिख देता हूं, बी सदिश बराबर सात जे कैप और प्लस, सॉरी सात, चलो जे कैप पहले लिख दिया तो सेम हो जाएगा, उसके बाद तो ये सात आई कैप और प्लस का पांच जे कैप। देखो अगर आप इसका परिमाण निकालेंगे तो इन दोनों का परिमाण समान आएगा, इसका परिमाण निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जेड तो इसमें है नहीं, तो पांच का स्क्वायर 25, सात का स्क्वायर 35, तो अंडर रूट 60 आएगा, इसका निकालोगे तब भी क्या आएगा, अंडर रूट 60 आएगा। लेकिन ये इनका परिमाण समान है, लेकिन ये सदिश समान नहीं है। देखो ये है पांच आई कैप और सात जे कैप, और ये सात आई कैप और पांच जे कैप, तो दोनों की स्थिति अलग है, ये समान सदिश नहीं है, इनका परिमाण समान है। तो आपसे यही कहा गया था समान परिमाण वाले, यानी परिमाण दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दोनों सदिश कैसे होने चाहिए, विभिन्न सदिश होने चाहिए। अगले क्वेश्चन के अंदर कहा है कि दिशा उनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और विभिन्न सदिश होने चाहिए, दिशा समान और विभिन्न सदिश। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, जैसे एक सदिश मैंने लिखा ए सदिश मैंने लिख दिया तीन आई कैप और प्लस का चार जे कैप, एक सदिश ये लिख दिया मैंने, और दूसरा सदिश मैंने यहां पर ये लिख दिया बी सदिश मैंने लिखा छ आई कैप और प्लस का आठ जे कैप। देखो सबसे पहले दिशा की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्या ये दोनों सदिश विभिन्न है, तो बिल्कुल विभिन्न है, क्यों, क्योंकि इसका परिमाण अलग है और इसका परिमाण अलग है, तो ये सदिश तो विभिन्न है। क्या इनकी दिशा समान है, तो देखो अगर आप बी सदिश की अपन बात करें तो बी सदिश से कॉमन क्या आ रहा है, दो कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तीन आई कैप और प्लस का चार जे कैप। आपको सिर्फ एग्जांपल लिखना है, ये हल आपको आगे नहीं करना है, सिर्फ आपको एग्जांपल इसके बारे में लिखना है। तो बी सदिश में से अगर आप दो कॉमन ले रहे हो तो आपके पास आ रहा है तीन आई कैप प्लस का चार जे कैप, तीन आई कैप प्लस का चार जे कैप है, ये क्या है, यही तो ए सदिश है,
यही क्या है, ए सदिश। इसका मतलब बी सदिश किसके बराबर हो गया, बी सदिश बराबर हो गया दो ए सदिश के बराबर, ठीक है। और ये शर्त मैंने आपको बताई हुई है, सरेख की शर्त है कि दो सदिशों के सरेख होने की क्या शर्त होती है, कि ए सदिश बराबर क्या होगा, लेमड़ा बी सदिश हो, चाहे बी सदिश बराबर लेमड़ा ए सदिश हो, एक ही बात है, लेमड़ा यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा तो ये क्या होंगे, सरेख होंगे। तो सरेख होंगे, और अगर लेमड़ा पॉजिटिव है, ये लास्ट वीडियो में बताया मैंने आपको विस्तार से, अगर लेमड़ा पॉजिटिव है इसका मतलब ये सरेख भी है। देखो सरेख का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी दिशा समान होना जरूरी हो, सरेख के लिए हो सकता है कि ये सदिश और दूसरा, अगर यानी दिशा सेम भी हो सकती है और इनकी दिशा क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, यानी बीच में कोण 0 डिग्री का भी हो सकता है और 180 का भी हो सकता है। अगर 0 डिग्री का है तब भी क्या है, वो सरेख है, और अगर 180 का है तब भी वो क्या है, सरेख है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेमड़ा पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये सरेख भी है और इनकी दिशा क्या है, एक तरफ है, और एक तरफ है मतलब कोण मध्य में कितना है, 0 डिग्री का है। और यदि ये लेमड़ा नेगेटिव आता है इसका मतलब ये सरेख तो अब भी है लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, इन पे कोण कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अगर ए सदिश और बी सदिश की हम बात करें तो ये सरेख भी हैं और इनकी दिशा भी समान है। दिशा कैसे समान है, क्योंकि यहां पे लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इनकी दिशा क्या होगी, सेम। तो समान दिशा है लेकिन इनका विभिन्न क्या है, विभिन्न सदिश है, क्योंकि इनका परिमाण बराबर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप समान हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर दो सदिश समान हैं, समान होने का मतलब ये होता है कि उनके परिमाण भी बराबर हैं और उनकी दिशा भी बराबर है और उनके संगत घटक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये शर्त लिखोगे इसके अंदर कि यदि दो सदिश समान हैं तो उनके संगत घटक, घटक भी मैंने आपको बता रखा है, सदिश घटक और अदिश घटक, संगत घटक क्या होंगे, समान होंगे। अब देखो जैसे पहला सदिश है आपके पास अक्ष आई कैप और प्लस का वाई जे कैप, ये बराबर है किसके, 2i कैप और प्लस का 3j कैप। अगर ये दोनों सदिश समान हैं तो इनके संगत घटक क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके घटक देखो, अगर आपसे केवल घटक पूछ लिए जाएं, आगे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, अगर आपसे इस सदिश के मैं अदिश घटक पूछता हूं तो अदिश घटक बताओगे आप अक्ष और वाई, अगर सदिश घटक पूछा जाए तो आप बताओगे अक्ष आई कैप और वाई जे कैप। इसी प्रकार से इसी सदिश के अगर आपसे अदिश घटक पूछे जाएं तो क्या होंगे, 2 और 3, और अगर सदिश घटक पूछे जाएं तो क्या होंगे, 2i कैप और 3j कैप। सदिश घटक का मतलब साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो अगर ये दोनों सदिश समान है तो संगत घटक बराबर होंगे। तो यहां पर अक्ष, अक्ष के संगत घटक क्या है, 2, तो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहां पर वाई, और वाई के जो संगत घटक है वो क्या है, 3, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है, अंतिम बिंदु -5 और 7 है, इस सदिश के अदिश तथा सदिश घटक लिखिए। तो देखो एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु को मैं a मान लेता हूं, और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2 तथा 1। दूसरा बिंदु है b, जो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु क्या है, -5 और 7। ये कहा गया है कि एक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु के जो निर्देशांक है, प्रारंभिक बिंदु जिसके निर्देशांक है 2 और 1, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु के जो निर्देशांक आपको दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, -5 और 7। तो प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, इसका मतलब ए से शुरू होके कहां पर जाएगा, बी पर, तो डायरेक्शन क्या होगी, ए बी, ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सदिश। और इस ए बी सदिश के आपको क्या बताने हैं, सदिश घटक और अदिश घटक आपको बताने हैं। तो पहले आप ए बी सदिश याद करेंगे, भाई अभी आपके पास ए के निर्देशांक है, बी के निर्देशांक है, ए बी सदिश आपके पास नहीं है, तो पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी सदिश निकालेंगे और फिर उसके क्या बताएंगे, सदिश और अदिश घटक। तो देखो ए बी सदिश याद करो, लास्ट क्लास पीछे क्लासों में हमने देखा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश किस प्रकार, दो बिंदु जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं तो उनको मिलाने वाला सदिश हमने निकालना देखा है पिछली क्लासों के अंदर। तो ए बी सदिश क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश और -a का स्थिति सदिश।
ए बी क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो सबसे पहले बी का स्थिति सदिश क्या होगा, बी के निर्देशांक माइनस पांच और सात हैं, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, माइनस का पांच आई कैप और प्लस का सात जे कैप, माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ए के निर्देशांक दो और एक हैं, तो अगर निर्देशांक दो एक हैं तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, दो आई कैप प्लस का जे कैप, बी ये लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के, तो दो आई कैप और माइनस का जे कैप। अब इसको सरल कर लो आगे, तो आपके पास जो ए बी सदिश आएगा, ए बी सदिश देखो माइनस का पांच आई कैप है और माइनस का दो आई कैप है, तो क्या हो जाएगा माइनस का सात आई कैप। उसके बाद में माइनस का सॉरी प्लस का सात जे कैप है और माइनस का जे कैप, तो सात प्लस का है और एक किसका है माइनस का, तो क्या बचेगा प्लस का छः जे कैप, तो ये है छः जे कैप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कहा गया था कि एक सदिश इसका प्रारंभिक बिंदु दो एक है, अंतिम बिंदु माइनस पाँच और सात है, इस सदिश के अदिश घटक और सदिश घटक निकालो। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है, तो प्रारंभ यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे एंड करोगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी ए से बी की ओर, तो ये हो गया ए बी सदिश। ए बी सदिश क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ये आ गया अपने पास, इनको सरल किया अपन ने, तो ये हमारे पास ए बी सदिश आ गया। अब हमारे से आगे पूछा गया है कि इसके अदिश घटक और सदिश घटक बताओ, तो ये सिंपल सी बात है, अदिश घटक पूछा जाएगा तो माइनस का सात और छः, तो इसके अदिश घटक क्या हो जाएंगे, अदिश घटक, तो अदिश घटक इसके हो जाएंगे आपके पास माइनस का सात और छः। और फिर आपसे पूछा गया सदिश घटक, सदिश घटक में क्या होगा, डायरेक्शन साथ में होगी, तो यहां तो डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस का सात आई कैप और क्या हो जाएगा छः जे कैप। अगर आपसे ए बी सदिश का परिमाण भी पूछ लेता तो परिमाण भी निकाल सकते हो आप, भाई आपको सिर्फ पूछा गया है कि अदिश घटक और सदिश घटक बताओ। अगर आपसे परिमाण पूछता तो ए बी का परिमाण निकाल लो, क्या होगा अंडर रूट 49 और प्लस का 36, तो परिमाण निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर पाँच। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर छः, तीन सदिश आपको दिए गए हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और आपसे इसका योगफल पूछा गया। ये बिल्कुल सिंपल सा है, अगर इन तीनों का योगफल आप याद करोगे, ए सदिश प्लस का बी सदिश और प्लस का सी सदिश, तो पहले ए सदिश क्या दिया गया है, आई कैप माइनस का दो जे कैप और प्लस का के कैप, इसमें जोड़ना है बी सदिश और सी सदिश, तो बी सदिश क्या है बताइए, तो बी सदिश है आपके पास माइनस का दो आई कैप प्लस का चार जे कैप और प्लस का पाँच के कैप, और सी सदिश ये है आपके पास आई कैप माइनस का छः जे कैप और माइनस का सात के कैप। देखो दो सदिशों को चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, उसके जो संगत घटक होंगे यानी जो आई कैप वाले पद हैं वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, संगत घटक, और जो वाई कैप वाले होंगे सॉरी जे कैप वाले और के कैप वाले, तो यहाँ पर आई कैप एक माइनस का दो और प्लस का एक, तो देखो प्लस के भी दो हो गए और माइनस के भी दो हो गए, जीरो आ गया, तो ये आएगा अपने पास जीरो आई कैप। उसके बाद में जे कैप की बात करें तो दो जे कैप, चार जे कैप और छः जे कैप, दो माइनस का, चार प्लस का, छः माइनस का, तो आठ तो हो गए माइनस के, चार हो गए प्लस के, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का चार बचेगा, तो माइनस का चार जे कैप। उसके बाद में के कैप की बात करें तो एक के कैप प्लस का, पाँच प्लस का तो छः हो गए, छः में से सात घटाओगे तो माइनस का के कैप, तो ये बचेगा आपके पास माइनस का के कैप। तो इस प्रकार से आप सदिशों का योग करना है जो आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मात्रक सदिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आधारित बहुत से प्रश्न है अपने इसके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आपको दिया गया है कि सदिश ए सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश याद कीजिए, इसको आप मात्रक सदिश भी कह सकते हो, इसको आप एकांक सदिश भी कह सकते हो, और इसी को आप क्या कह सकते हो, इकाई सदिश भी कह सकते हो, इकाई सदिश। अब देखो मैंने कहा था कि किसी सदिश के अनुदिश या उसकी ओर या उसकी दिशा में अगर आपको इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप उसके अंदर उसी के परिमाण का भाग देंगे, और मात्रक सदिश को लिखा किससे जाता है, कैप से लिखा जाता है, ये इसका साइन होता है। तो हम निकालेंगे ए सदिश, तो इसका हल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे और भी क्वेश्चन है आगे जो आप खुद करेंगे वो आगे मैं नहीं कराऊंगा, इसको देख लो ध्यान से आप। तो ए सदिश आपको दिया गया है
आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का दो के कैप। तो ए के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? ए के अनुदिश मात्रक सदिश एक ही दिशा में बोल दो और जे एक ही तरफ है या ए के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश जो होगा उसको हम किससे लिखेंगे? ए कैप से। इकाई सदिश को किससे लिखा जाता है? ए कैप से। और कैसे निकाला जाता है? कि जो सदिश आपको दिया गया है ए सदिश, उसमें उसी के परिमाण का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ए सदिश में ए के परिमाण का भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब उसका परिमाण कितना है? एक है और दिशा वही है। तो सबसे पहले तो ए का परिमाण निकालो, भाग दे दो, हो गया पूरा। तो ए का परिमाण अगर आप निकालोगे तो परिमाण निकालना सबको आता होगा। तो अंडर रूट देखो, अक्स का मान एक, वाई का मान एक और जेड का मान दो। तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर और प्लस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा चार और चार दो छः। तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट छः इकाई। ये ए का परिमाण आ गया। हमें क्या करना है? ए के अंदर ए के परिमाण का ही भाग देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए कैप इज इक्वल टू ए सदिश। ए सदिश क्या है? आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का दो के कैप। इसमें इसी के परिमाण का भाग देंगे यानी अंडर रूट छः का हम भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा, अलग अलग कर दो इसको, अलग अलग करोगे तो क्या होगा? एक बट्टा अंडर रूट छः आई कैप और प्लस एक बट्टा अंडर रूट छः जे कैप और प्लस दो बट्टा अंडर रूट छः के कैप। तो ये आ गया ए के अनुदिश मात्रक सदिश। अब देखो, इस पर आधारित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिर्फ आपसे अनुदिश ही नहीं पूछा जाता है, कई बार ऐसा देगा आपको कि ए के, अब इसी प्रश्न में जैसे पूछा जाता कि ए के अनुदिश ऐसा सदिश याद करो जिसका परिमाण पाँच इकाई हो। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप इकाई सदिश याद करेंगे और इकाई सदिश याद करने के बाद में अगर आपको परिमाण पाँच चाहिए तो इसको पाँच से गुणा कर दो, दस चाहिए तो इसको दस से गुणा कर दो। यानी सबसे पहले कितने भी परिमाण का आपको सदिश चाहिए, जैसे ए के अनुदिश इकाई सदिश आप निकाल लो, सबसे पहले क्या निकालोगे आप? इकाई सदिश। और इकाई सदिश निकालने के बाद में, इकाई सदिश आपने निकाल लिया, जैसे यहां पे सिर्फ आपसे इकाई सदिश पूछा गया था, तो इकाई सदिश निकालने के बाद में आप क्या करेंगे कि अगर आपसे ये पूछे कि भाई पांच इकाई का, तो आप इसको गुणा किससे कर देंगे? पांच से। सात इकाई का, सात से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको करेंगे। तो ये सात क्वेश्चन अपन ने कर लिए और आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कुछ प्रश्न आगे ऐसे और हैं जिनमें योगफल से संबंधित हैं या खंड से सूत्र से संबंधित हैं, तो कुछ आप करेंगे और एक दो प्रश्न बीच में से, और मैं आपको आगे बता दूंगा। थैंक यू।